मुरादाबाद के ब्लॉक छजलैट अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत शेरपुर एतमादपुर के मनरेगा कर्मियों ने अपने द्वारा किए गए कार्य के पैसे न दिलाने के आरोप ग्राम प्रधान पर लगाए। बताया कि हमें मई 2022 से अब तक का कोई भी पैसा नहीं मिला है। ग्राम प्रधान से कई बार कहने के बाद भी हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। और कहा कि ग्राम प्रधान सोनू कुमार द्वारा मनरेगा के कार्य को ट्रैक्टर के रोटरवेटर से कराकर उस रास्ते के कार्य का पैसा उन लोगों के खाते में डलवाया गया जो कभी भी मनरेगा में कार्य नहीं करते। इतना ही नहीं, ग्राम प्रधान द्वारा बनवाए हुए रास्ते का पैसा अपनी सहमति से उन लोगों के खाते से निकालकर अपने पास रख लिया और जिन लोगों ने कार्य किया वह अभी तक अपनी मजदूरी के पैसों के लिए परेशान हैं। वहीं कुछ महिलाओं ने ब्लॉक सचिव और ग्राम प्रधान पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन दोनों व्यक्तियों द्वारा हमें आवास और शौचालय का आश्वासन देकर ब्लैंक पेपर पर हस्ताक्षर कराए थे जिसका हमें अभी तक भी कोई लाभ नहीं मिला है। इन सभी प्रकरणों के लिए हमने खंड विकास अधिकारी को भी शिकायती पत्र दे दिया है, फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। जब हमने ब्लैंक पेपर पर कराए गए हस्ताक्षर के बारे में बातचीत की तो ग्राम प्रधान व सचिव ने काम में देरी होने की बात कही। जब मीडिया ने इस संबंध में ग्राम प्रधान सोनू से बातचीत की तो ग्राम प्रधान ने बताया कि हमने सभी व्यक्तियों की सूची सचिव को सौंप दी है लेकिन ब्लॉक स्तर से देरी होने की वजह से अभी उन लोगों का पैसा नहीं मिला है। हम इसके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं ताकि ग्रामीणों की समस्या का जल्द समाधान हो सके। वहीं मीडिया से बात करते हुए खंड विकास अधिकारी हर्षिका सिंह ने बताया कि यह प्रकरण मेरे संज्ञान में आज ही आया है। मैंने इसके लिए संबंधित अधिकारी को जांच आख्या पेश कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं और समूह के लिए भी सचिव को खुली बैठक कर पात्रों को चयनित करने को कहा है। हम जल्द ही इस समस्या का समाधान कराने का प्रयास करेंगे। मुरादाबाद से न्यूज 9 नेटवर्क के लिए उरमान खान की रिपोर्ट। शेरपुर एतमादपुर का रहने वाला हूँ। क्या मामला है? मामला यह है कि हमारे जो है दौलत सिंह के खेत से और विनोद सिंह के खेत तक मनरेगा का काम रोटावेटर से जोत गया और लेबर में दिखा गया, प्रधान ने सारा पैसा निकाल लिया उसका। और एक रास्ता है जो कि दूसरे तरफ पड़ता है, वो देवेंद्र सिंह के खेत है और त्रिलोक चंद्र शर्मा के खेत तक है सर, वो उस पर ऊपर से जुटाई हुई है। मनरेगा कोई मजदूर नहीं लगाया गया है, जितना भी उस पर 1 लाख या 2 लाख रुपए प्रधान जी ने निकाल लिया गया। प्रधान ये 480 से पैसा निकाल, प्रधान और वह दक्षराज यक्षराज दोनों ने इनकी मिली जगह। कितने मीटर का रास्ता होगा जी? वो है लगभग 700 मीटर, 700 मीटर के करीब रास्ता है, 700-750 मीटर रास्ता है जो कि रोटावेटर से जोत के उन्होंने पैसा निकाल लिया उसका, दिखा के कि ये मजदूरों से काम कराया और वो जो है दूसरों के खाते में जिन्होंने काम न करा उनके खातों में पैसा डाल के पैसा निकाल लिया गया उन रास्तों का दोनों। साहब मुझसे यूं भी कही कि जितनी तुझे कार्रवाई करनी है वो कर लिए, देख लूंगा मैं तू क्या करेगा, मुझे भी धमकी दी। किसने? जी यक्षराज ने। प्रधान कोई और है? प्रधान नहीं कर रहा, कोई प्रधान ही कोई और कर रहा है। आपका? मेरा नाम मूलचंद सिंह। कहाँ के रहने वाले? शेरपुर एतमादपुर। कौन सा थाना पड़ता है? थाना छजलैट पड़ता है सर। ये पंचायत भवन में क्यों इकट्ठे हुए आज? पंचायत भवन में इसलिए इकट्ठा हुए हैं सर जी, हमारे यहाँ मनरेगा में काम किया है, जिन जिन व्यक्तियों ने काम किया है उनके पैसा नहीं आया और मई के महीने से काम करना शुरू करा है सन 2022। कितने लोगों का कार्ड बने हुए हैं? लाग है हम कार्ड हैं यहाँ लगभग 60%। कितने दिन काम किया आपने? मैंने काम करा जी 25 दिन। प्रधान कौन है यहाँ पे? प्रधान सोनू कुमार है। प्रधान से कोई बात हुई इस बारे में? प्रधान से बात बहुत बार होगी साहब, झांसा देता चला आ रहा है। क्या कहते हैं? कहते हैं कि पैसे डलवा दिए तुम्हारे और हमारे खाते में पैसे आए। इस बारे में आपने किसी से शिकायत की? जी हमने किसी से शिकायत नहीं करी, BDO साहब से रखी अपनी बात। अच्छा टंकी का क्या मामला है? टंकी पर साहब गाँव के 12 ग्राम पंचायत से 12 सदस्य रखे जाने हैं, 13 सदस्य जिसमें क्या दोनों गाँव से होने चाहिए थे और वो हमारे गांव के बगैर अनुमति के जो है उसने अपने गांव के 12 आदमी 13 आदमी। अच्छा मैंने कहा कितने दिन की सैलरी रुकी हुई आपकी? मैंने रहा कि साहब 25 दिन की सैलरी रुकी मेरी। कितने लोगों की? लगभग यहाँ है जी 50-60 आदमी। यहाँ पर जितने लोग शामिल हैं ये सबकी सैलरी रुकी है? सब लोगों की सैलरी रुकी पड़ी है सर। अच्छा खंड विकास अधिकारी से मिले तो क्या बात हुई? खंड विकास अधिकारी महोदय ने साहब 2 दिन का जवाब दिया कि 2 दिन बाद हम आपकी जो है जब से समस्या का कोई समस्या ना समाधान है। कब मिले थे ये? आज भी मिल के आए हैं। आज क्या हुआ? आज भी 2 दिन का टाइम मांगा। अगर ये पैसे नहीं मिले आपको तो क्या चेतावनी इसके लिए?
कारण सर हमारी तो यही है, हमें जब मेहनत मजूरी करेंगे हमें तो पैसा नहीं मिलेगा, तो आगे तक जाएंगे इसका, और चाहे लखनऊ तक जाना पड़े चाहे प्रधानमंत्री तक हमें जाना पड़े, हम तो अपने गाँव के लिए अपना जो मेहनत करिए वो मांगना चाह रहे हैं, बस यही मेन चीज है और कुछ होता। 400 से पैसा निकाला गया है, किसने निकाला? प्रधान ने निकाला है पैसा, ये किसके नाम का निकाला? ये जो हमने काम किया है, जो मजदूरों ने काम किया है, उनके नाम का पैसा 400 में, जिन जो लोग हमारे यहाँ रहते नहीं, बाहर काम करते हैं, दूसरे प्रदेशों में काम करते हैं, उनके नाम पर पैसा डलवा के और पैसा निकाल लिया। आपको आपको कैसे पता है कि लोग बाहर रहते हैं उनका पैसा निकाला गया? हम गांव में रहते हैं तो हमें पता है ना कौन आदमी रहता है गाँव में, कौन नहीं रहता है। नहीं, पैसा निकालना क्या सबूत है आपके पास? हमारे पास सबूत है कि जिन जिन लोगों के पास पैसा गया हुआ है उनके हमारे पास खाते नंबर हैं, डिटेल है हमारे पास, हम लिखित में दे सकते हैं, उनका कागज दे सकते हैं बैंक की। पैसा निकालने का विरोध कर रहा है या अपनी सैलरी का? अपनी सैलरी का कर रहे हैं कि हमारा पैसा उनके खाते में डाल के प्रधान ने हड़प लिया है। क्या नाम आपका? कौन सा गांव के रहने वाले? क्या मामला है, कैसे खड़े हैं यहाँ? हम इसलिए खड़े हैं, बृहस्पति के दिन सेक्रेटरी साहब आए थे, प्रधान जी थे और एक और थे, हम उन्हें जानते नहीं है, कागज लिया उन्होंने और सब महिलाएं बुलाई गई जितनी समूह वाली थी, सबसे साइन ले लिए कि आपकी कॉलोनी बनेगी, सड़क पर मिट्टी डलेगी और लैट्रिन बनेगी, हैंडपम्प लगाएंगे, उसके बाद कोई इस बात की कोई चर्चा नहीं ली और साइन करवा लिए, उसके बाद मैट बनाया यहाँ पे। सेक्रेटरी का क्या नाम है? सेक्रेटरी का नाम अमित कुमार। क्या कह के साइन कराया था उन्होंने? बस यही बात कही थी कि कॉलोनी बनेंगी और जो गांव में और जो शौचालय बनेंगे और हैंडपम्प लगाएंगे। तो कोरे कागज पे आपने साइन क्यों कर दिया? तो बोले कि जो महिला ये है समूह वाली ये अपने साइन कर दें, तो हमने कही तुमने आपने कोई जवाब बोला है? कुछ नहीं बोला, नहीं कुछ कही, नहीं कुछ बोला, तो आपने साइन क्यों कराई? तो बोले नहीं ये हो गए हमने बोल दिया, तो बोल दिया था, आधी जो लेडीज नहीं जानती सबसे साइन करवा लिए, हमारे तो नहीं आया पाया वो, कोई सुविधा नहीं मिली, कुछ भी हमने उन सेक्रेटरी साहब से बतरी करी तो उन्होंने कोई कार्रवाई हमारे उस पर नहीं उठाई। अब क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं या तो हमें पता चल जाए, नहीं तो हम हमारे समूह पर और हमें काम चाहिए, रोजगार चाहिए, और जो हमारे समूह 3 से चल रहे हैं उनमें से तो कोई महिला लगा ही नहीं, और जो 2 से समूह चलाने वाली वो 2 महीने हमें चाहिए वो हटी हुई और दोबारा से इसके लिए स्कीम निकले, स्कीम हम भी कर सकते हैं। हमें कहना चाहते हैं सबसे पहले हम ब्लॉक गए, ब्लॉक से जानकारी ली कि मैट के फॉर्म निकले हुए हैं और मैंने फॉर्म भी भरा, प्रधान जी ने मेरे फॉर्म पर साइन नहीं किया, जबकि पूरे गांव में ये पता नहीं था कि मैट का फॉर्म निकला है, सबसे पहली महिला हूँ मैं वो जो भर के आई थी फॉर्म। क्या नाम है आपका? धीरज कुमारी, और मेरी फाइल सेक्रेटरी साहब के पास में जमा है। बताओ हम इस काबिल नहीं थे, कैसे पढ़े लिखे नहीं थे, हम बेरोजगार हैं। मैट बना दिया आपने तो जब भी मना करते रहे उसके बाद गांव में पता चला पैसा ले लिया, जो बना वो तो बताया कि मैट बना नहीं बना, फिर पैसा भरा हुआ है, फिर भी नहीं माने मैट बनाना चाहिए, मैट बना दोबारा सुविधा मैट बना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू कुमार। कहाँ के रहने वाले? मैं सुखपुरा का रहना, ग्राम पंचायत में शेरपुर एतमादपुर है। आप ग्राम प्रधान हैं? जी जी जी। अच्छा, नरेगा को लेकर क्या मामला है? नरेगा को लेकर थोड़ी सी लोग से दिक्कत आ रही है, ताकि जैसा कि हम 20 जनों के नाम दे रहे हैं तो उनमें से 10-12 जनों के नाम निकालते हैं, और जो भी जो कमियाँ हैं उनको जल्द से जल्द हल किया जाए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। नहीं, जैसे ग्रामीणों का आरोप है कि आपने रोटर से रोड जुटवा के और उनके दूसरे लोगों के खाते में पैसे डाले, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो बड़ी दिक्कत पहले से आने स्टार्ट हो जाती। अच्छा, दूसरा आरोप यह है कि सेक्रेटरी ने और आपने कोरे कागज जो साइन करवा के आपके, देखिए वो तो आवास का मामला था और जो जो गांव के विकास के लिए जो कार्य लिखने थे वो करवाए थे, वो बाकी सेक्रेटरी छुट्टी पे जैसे ले जाएंगे तो वो उनको कार्य योजना रजिस्टर लिखा देंगे। कब तक समाधान कर सकते हैं? जल्द से जल्द किया जाएगा और मैं सोच रहा हूँ कि 4-5-6 दिन में जल्द से जल्द इसका हल निकाला जाएगा। मैडम, छजलेट ब्लॉक की एक ग्राम पंचायत है शेरपुर एतमादपुर, वहाँ पर कुछ लोगों की शिकायतें हैं। ग्राम प्रधान पर आरोप लगाया है कि हमने मई महीने से मनरेगा में कार्य किया था जिसका अभी तक उनके जो सैलरी का भुगतान है वो अभी तक नहीं हो पाया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? आपके संज्ञान में है या नहीं है? जी, कई लोग ये समस्या लेके मेरे पास मेरे ऑफिस में मिलने आए थे,
जिसमें मैंने संबंधित अधिकारी को माफ करके इसमें एक जांच आख्या प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। जो भी इसमें सही होगा, जो भी जांच में निकल के आएगा, उस हिसाब से तुरंत एक्शन लिया जाएगा और ये दिक्कत सॉल्व कराई जाएगी। एक और आरोप लगाया है ग्रामीणों ने, उन्होंने आरोप लगाया है कि ग्राम प्रधान सोनू के द्वारा कुछ जो रास्ते हैं जहाँ पर मनरेगा का कार्य होना था, वहाँ पर ट्रैक्टर के रोटावेटर से जुताई करवा कर और उसका पैसा उन लोगों के खातों में डलवाया गया है जो मनरेगा में कार्यरत नहीं है, और उनका पैसा भी प्रधान ने अपनी सहमति से निकाल लिया है। ऐसे इनके खिलाफ़ क्या उचित कार्यवाही होगी आपके तरीके से? बिल्कुल, पहले जांच आख्या का हम इंतज़ार करते हैं, इसमें एक कड़ी कार्रवाई की जाएगी अगर ऐसा कुछ मिलता है। लेकिन सबसे पहले हम ये उम्मीद करेंगे, जो भी हमने अधिकारी को मार्क कर दी गई है ये एप्लीकेशन, कि अच्छी तरीके से इसमें थरो जांच होगी, हर लेवल पे इसमें देखा जाएगा कि क्या गड़बड़ हुई है और उस हिसाब से एक्शन लिया जाएगा। अच्छा, वहाँ की महिलाओं का भी आरोप है कि एक जो समूह होता है जी, उसके लिए एक सेक्रेटरी द्वारा और ग्राम प्रधान द्वारा गाँव में पहुँच कर और एक बैठक गुप्त तरीके से की गई है और ब्लैंक पेपर पर सभी से सिग्नेचर करा लिए गए हैं। वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि हमें उस चीज़ का ये भी नहीं पता कि किस लिए साइन कराए गए हैं, तो ऐसे इस तरीके के संगीन आरोप लगा रहे हैं प्रधान पर ग्रामीण, तो क्या होना है, क्या उचित कार्यवाही होगी? आज ये मेरे पास महिलाएं लेके आई थी, ये कई लोग आए थे इससे रिलेटेड भी, और इसमें मैंने संबंधित अधिकारी को माफ करके कहा है कि इसके मामले को जांच भी करें और दोबारा से एक खुली बैठक का आयोजन करें, जिससे कि जो पात्र लोग हैं उनका चयन हो सके और लोगों की शिकायत दूर हो सके। लगभग कितने दिन तक इनकी समस्या का समाधान हो सकता है? ये आज ही मुझे लग रहा है कि वो गए हैं, तो कल परसों तक में इनकी समस्या का समाधान हो जाए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।